नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से और ये मेरे बहुत से लाडले बेटे बेटियों के साथ आज एक वीडियो बना रहा हूं मैं। ये सब 11th बायो और 11th मैथ्स के बच्चे हैं। ये बच्चे कई बार आके मिलते हैं कि सर बोस, मेरे बच्चे बोस कहते हैं मेरे को कि बोस हमारे साथ कुछ ऐसे दोस्त थे जो लास्ट ईयर 11th में सीएलसी नहीं आ पाए, क्या स्कूल में रुक गए या किसी अन्य कोचिंग में चले गए, अब वो बड़ा पछता सा रहे हैं। बट वो कह रहे हैं हम करें क्या, नीट और जेई में हम जानते हैं कि 50% सिलेबस 11th से आता है और 50% 12th से आता है। तो वो बच्चा कह रहा था मेरा तो 11th खराब हो गया, मैं क्या करूं। तो ये बच्चे बार बार पूछते, तो मैं सबका जवाब इस दे रहा हूं वीडियो के माध्यम से। बिल्कुल घबराएं नहीं, जिंदगी में कभी भी कोई समस्या ऐसी हो ही नहीं सकती जो रोक जाए इंसान को, हर समस्या समाधान होता है। दोस्तों आपकी सीएलसी 9 फरवरी 2023 से 2-in-1 का बैच स्टार्ट करने जा रही है। बच्चों ये बैच उन बच्चों के लिए है जो तुम्हारे साथ ही थे, जो पिछली बार 10th करके प्रॉपर किसी कोचिंग में नहीं आ पाए और अपना 11th किसी भी कारणवश डिस्टर्ब कर लिया, वो लोग 9 फरवरी से आकर 2-in-1 का कोर्स, 2 साल का कोर्स 1 साल पूरा कराया जाएगा। 9 फरवरी, 20 मार्च, 6 अप्रैल और 20 अप्रैल को आखिरी ये 4 ही बैच होंगे। तो मैं उन बच्चों से निवेदन करना चाहता हूँ, बिल्कुल पैनिक नहीं हो, आपकी 11th जैसी भी रही हो आप अभी भी जुड़ के सीएलसी के साथ और आप अपना 2-in-1 का कोर्स दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। ये सीएलसी का वादा है, श्रवण का वादा है। अगले 9 महीने में 30 नवंबर तक आपको 11th और 12th का कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। आपकी सीएलसी आपके उज्जवल भविष्य के लिए तत्पर थी, तत्पर है, तत्पर रहेगी। नमस्कार, जय जय। थैंक यू।